हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टडी तो आज हम लोग क्या करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जो सीरीज़ करें हम लोग आज का ये पार्ट टू है पार्ट वन नहीं देखो जाके प्लेलिस्ट से देख लेना वो प्ले प्लेलिस्ट बनाया हुआ है एसएससी एमटीएस 2024 एम करके ई की उस क्वेश्चन है यहाँ पे करेंट अफेयर्स भी है ठीक तो है, है, है जो इंपॉर्टेंट होगा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा एस एस सी एम टी एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए तो लेटेस्ट जो एस एस सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है टी सी एस पैरेंट का वो यहाँ पे रहे ठीक है टॉप करेंट एफेयर्स से जो एस एस सी एग्जाम में पूछा एस एस सी एम टी एस में पूछा जा सकते है, इस एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समझ के जा सकते हो एंड ये मोस्ट वॉच होगा ठीक है मस्ट वॉच होगा आपके एग्जाम के पहले ठीक है तो जरूर देखना लास्ट तक जरूर देखना आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा अगर सेशन को अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना दोस्तों के साथ एंड लाइक कमेंट एंड क्या करना जो बेल आइकन को दबा के रख देना ठीक है सब्सक्राइब जरूर ये चलो तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से चलो देखो, देखो, देखो। क्वेश्चन टू का क्वेश्चन कप ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स फुटबॉल टूर्नामेंट तो कहां पे होने चला ये ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स का तो ये होने चला है कहास्ट्रेलिया पे? पे होने चला है ठीक है चलिए अगर बोलेगा ए एफ सी ओमेंस का ट्वेंटी 20... एशियन कप 2029 कहां पे होगा तो ये उज्बेकिस्तान पे होने चला है प्लान हो गया ऑलरेडी एंड 2022 का हुआ पे कहां पे इंडिया में हुआ था कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा एसएससी एमटीएस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फोन पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया फोन पे वॉज लॉन्च द यूपीआई सर्विस इन विच कंट्री इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो कौन से जगह पे तो ये कौन से कंट्री हो जाएगा श्रीलंका पे ठीक है ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोला गया है कंट्री हैज बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 2025 तो कौन सा होगा कंट्री यहाँ पे हो जाएगा चाइना जो टॉप में है सेकेंड पोजीशन पे कौन होगा सेकेंड पोजीशन पे होगा यूनाइटेड स्टेट्स एंड थर्ड में कौन होगा थर्ड में हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमरटी हो जाएगी वे नेक्स्ट क्वेश्चन फोन नंबर क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एबोलिज द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ चाइना तो कौन सा होगा यहाँ पे तो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में एक होता है ठीक है एंड रिसेंटली एस एग्जामों में पूछा गया यह क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव विच फिजिसिस इज बेस्ट नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जनरेटिंग एंड कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कौन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा हेनरिक रोडोल्फ हर्ज यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है Next question, question number six बोला गया। डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंड पल्ल तो यहाँ पे सही आंसर कौन होगा गौतमी पुत्रणी जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व ग्रेटेस्ट किंग में आता है सदभाना डायनेस्टी में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर क्वेश्चन बोला गया इंडिया विच टनल हैज बिन रिकॉगनाइज एज द हाइस्ट टनल बाय द इंग्लैंड इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये करंट अफेयर्स में एंड पूछा जा सकता है एमटीएस में ओके okay? तो कौन सा होगा यहां पे सही आंसर हो जाएगा सेला टनल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट बोला गया एफ एस एस ए आई हैजन अगेंस्ट यूज ऑफ ऑफ द केमिकल फॉर रिपेनिंग फ्रूट्स कौन सा ऐसा यूज किया जाता था जो पकाने के लिए फ्रूट्स को पकाने के लिए थे होगा कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर बैन लगा दिया गया है एफ एस एस ए आई के तरफ से आप लोग बोलिए एफ एस एस ए आई का फुल फॉर्म क्या है आप लोग कॉमन में बताए एफ एस एस ए आई का जो फुल फॉर्म है आप लोग कॉमन में बताए क्या इसका फुल फॉर्म है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन बोला गया अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी फाउंडर्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हु गॉट एस्टैब्लिश इन 1928 एट द फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली तो कौन होगा तो ये हो जाएगा भगत सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलिए क्वेश्चन नंबर टेन बोला गया Who, uh, who नहीं होगा यहाँ पे विच होगा विच स्पेस एजेंसी ऑनर्ड विदेशियल वर्ल्ड फोरम जी डब्ल्यू एफ लीडरशिप अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी ओके okay? तो कौन सा स्पेस एजेंसी यहाँ पे होगा तो हो जाएगा इन स्पेस ठीक है अगर बोलेगा इनके बारे में डिटेल्स क्या है इन स्पेस का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर एस्टाब्लिशिंग ट्वेंटी ट्वेंटी हेडक्वार्टर कहां पर अहमदाबाद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन बोला गया द रीता क्यूबा ब्लैंको ग्लाशियर वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन बीच कंट्री कौन से कंट्री में सिचुएटेड है ये रिसेंटली न्यूज में भी आया है तो इंपॉर्टेंट होगा ये जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स में आता है तो पूछा जा सकता है एस एस में ट्वेंटी में इस बार का ठीक है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉलोम पे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बोला गया है यहाँ पे डैश इज द साइंस एंड द आर्ट कल्टिवेशन फ्रूट्स जो कल्टिवेटिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो यहाँ पे कौन सा सही होगा इस साइंस को क्या बोला जाता है तो हो जाएगा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर बोला जाता है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है इन दस वैली टाउन एंड सिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया एस एस एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एंड रिसेंटली एस एस सी में भी पूछा गया है तो कौन सा होगा यहाँ पे तो हो जाएगा ऑप्शन बी सीता डेल चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है सी आइस हेल्प डिटरमाइन द अर्थ्स क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट परसेंटेज ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन द आइस सी आइस इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस तो स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक होता है तो so, कितना परसेंट होता है ये 80% होता है ये भी बहुत पूछा जा रहा है एसएससी एग्जाम में ठीक है तो इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया यूनाइटेड नेशंस मीटिंग ऑन द क्लाइमेट चेंज को कॉप बोला जाता है 29th का जो सेशन है 2024 में होने चला है तो होस्टेड कहाँ पे होगा कौन से कंट्री में तो हो जाएगा अजरबैजान पे होगा ठीक है अजरबैजान के कौन से जगह पे तो हो जाएगा बाकू पे अजरबैजान का कैपिटल होता है बाकू टी एट का जो हुआ था ट्वेंटी एट का कहां पे हुआ था ट्वेंटी एट का जो हुआ था ट्वेंटी थ्री में वो दुबई पे हुआ था यूएई पे एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का कहां पे होगा तो बेलेम जो ब्राजील में होने चला है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन नंबर द जर्नलिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज बीन द यूनेस्को हैजिन कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो कौन से जर्नलिस्ट को कंट्री को जर्नलिस्ट को दिया गया है तो हो जाएगा पैलेस्टाइन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ठीक है चलिए नाउ पर्पज क्या है कौन से पर्पज के लिए दिया गया फॉर कवरिंग द क्राइसिस इन गाजा एंडमेंट नाइन नाइन सेवन में हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इन ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज अ मट्टी अखोरा यूज एज अ बेसिक एक्सरसाइज पैटर्न एंड दैट फेसिलिटेट वेरियस डांस पोजेस तो कौन सा डांस फॉर्म यहां पे हो जाएगा सही तो हो जाएगा सत्रीय डांस फॉर्म ओके क्षत्रिय डांस फॉर्म कौन से स्टेट से है तो ये हो जाएगा आसाम से यह भी पूछा जाता है एंड इसको फाउंड किसने किया है यह भी पूछा जाता है फाउंड किसने किया सत्रीय डांस को तो सत्रीय डांस को फाउंड किया था श्रीमान तो शंकर देवा ने यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंड कहां पे कौन से स्टेट आसाम यह भी पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 जियोलॉजिकली विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स में आता है तो कौन सा होगा हो जाएगा पेन सोलर प्लेटो ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या बोला गया विच क्लब टीम हैज वन द सिक्स लाली का ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फुटबॉल टूर्नामेंट तो कौन सा होगा हो जाएगा रियल मद्रीत ने जीता इस बार का ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट एपिलेट टैक्स एपेलिय ट्रिब्यूनल तो ये कौन से होगा तो ये हो जाएगा संजय कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया गया है अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन पूछेगा ऐसे सीएमटीएस में जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन का क्या बोला गया है बोला गया है नोबेल द वाइट टाइगर वॉज रिटन बाय वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन एस एस सी एग्जामों में तो कौन होगा तो यहां पे सही होगा अरविंद अडीगा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लेटेस्ट लिटरेसी रेट रेटेड जो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया तो लीस्ट होगा तो लीस्ट जो होगा तो कौन से टेरिटर, यूनियन टेरिटरीज में सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट है तो ये हो जाएगा दादरा एंड नगर हवेली पे ओके सेंसस 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन एस एस सी एम टी एस में पूछा क्योंकि ये भी ट्रेडिशन चल रहा है पूछा जा रहा है एस एस सी एग्जाम में ठीक है तो सेंसस ट्वेंटी ट्वेंटी वन से जरूर क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्टार्टेड कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ ये ये 2020 में स्टार्ट हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट में पूछा जाता है एग्जाम में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन बोला गया है संस्कृत कॉलेज एट द बनारस वाज फाउंडेड बाय किसने फाउंड किया है संस्कृत कॉलेज को तो ये हो जाएगा जोनाथन डानकन ने इसको फाउंड किया है ये सभी जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है सी एच एस एल बोलो फेज ट्वेल्व का एग्जाम बोलो सभी ऐसे एम टी एस का जो होने चला है इसमें इससे क्वेश्चन पूछ पूछा क्योंकि ये रिसेंट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में ओके चलिए ट्वेंटी फाइव का क्वेश्चन बोला गया है विच टीम हैज वन द टेंथ इंडियन सुपर लीग आई एस एल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फुटबॉल टूर्नामेंट कौन जीता ये तो ये मुंबई सिटी टी एफ सी ने जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन बोला गया है क्या अनंत आर कृष्णन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो हो जाएगा यहां पे मृदंगम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन नंबर बोला गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो कौन होगा तो ये हो जाएगा कपिल सिवल को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट नंबर विच विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पीबी सोलर पार्क लोकेटेड इन वन ऑफ द इंडियन स्टेट कौन सा यहाँ पे लार्जेस्ट पीबी वर्ल्ड का लार्जेस्ट पीबी सोलर पार्क होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा सही होगा यहाँ पे देखो यहाँ पे सही हो जाएगा बदला सोलर पार्क ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन बोला गया हरी सेन इज द ऑथर ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति ठीक है प्रयाग प्रशस्ति जिसको इलाहाबाद इलाहाबाद पिलर भी इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है वॉज द कोट पोइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एम्पर किसके टाइम काल पे कोट पोएट थे तो ये हो जाएगा समुद्र गुप्ता के टाइम काल पे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी बोला गया विच बैंक हैज द द यूपीआई फैसिलिटी फॉर एनआरआई कस्टमर फॉर द इंटरनेशनल फ्रॉम इंटरनेशनल मोबाइल नंबर तो कौन सा यहां पे बैंक हो जाएगा तो हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन बोला गया लाइफी एंड चीनफी आर द कल्चरल कॉस्ट्यूम्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स ऑफ विच स्टेट कौन से स्टेट का कल्चरल कॉस्ट्यूम्स है ये लाइफी एंड चीन फी? तो ये हो जाएगा मणिपुर का ठीक है ये भी एग्जामों में पूछा गया रिसेंटली क्वेश्चन है सो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एम टी एस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी टू नंबर द नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वॉज होस्टेड बाई विच कंट्री कौन से कंट्री ने इसको होस्ट किया है तो होस्ट किया ये उगान्डा ने

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर बोला गया इंटर मीटिंग ट्वेंटी फोर का ऑर्गेनाइज हुआ है तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड पे स्विट्जरलैंड पे कौन से जगह पे जेनेवा स्विट्जरलैंड पे हुआ है तो ये भी इंपॉर्टेंट में पूछा जा सकता है एस एस सी एम टी एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ठीक है तो चलिए आज के पार्ट टू में जितने सारे क्वेश्चन दिए इसको जरूर देखिएगा आपको एम टी एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए जरूर हेल्प होगा एंड अगर अच्छा लगा सेशन को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ठीक है एंड कमेंट में जरूर बताना आपको कैसे क्वेश्चन ये सेटअप जो है ऐसे कैसे लग रहा है ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे करेंट अफेयर से एकदम करेंट का एंड उसमें ऑल्सो क्या इसे ऑल्सो यहाँ पे दिया गया है जो करेंट ऐसे